In the past 24 hours, a new variant of the TSJ virus has emerged, putting European authorities... Your first plane trip. The greater a population, the greater the number of infections. Prepare to be a plane, keep walking, sir. Do you hear me? No matter what. I thought that we were going to have all the time in the world. Victor, tell me the truth. Are we prisoners? It is never going to end. नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं लूंगा भोलेनाथ जी का नाम। आज का ब्लॉग करते हैं भयंकर, बोलो जय शिव शंकर। आज मैं आ चुका हूँ एक नई मूवी जो कि सर्वनाश जेड, मतलब कि अपोकलिप्सी जेड मूवी है, जो कि 31 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। और जैसे अगर आप लोगों ने वर्ल्ड वॉर जेड देखी होगी, जॉम्बी रिलेटेड है, इसमें वायरस जो होता है वो फैल जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा ये टीजर, उसके बाद बात करते हैं इस मूवी पर कैसे क्या मूवी है। In the past, when a new variant of the TSJ virus has emerged, putting European authorities in a very difficult situation. It's been confirmed that the mode of transmission is through blood contact. Their organization, the greater the number of infections. Prepare to be evacuated to the nearest state. Do you hear me? No matter what. I thought that we were going to have all the time in the world. Victor, tell me the truth. Are we prisoners? Stop asking questions. It is never going to end. तो दोस्तों, टीजर देखकर तो समझ गए होंगे ये एक्चुअली वायरस से संबंधित है। वायरस फैल जाता है, वो जॉम्बी बन जाती हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर जेड में वायरस फैलता है। एपोकैलिप्सी जो मूवी का नाम है, बड़ा डिफिकल्ट है भाई। एपोकैलिप्सी मीन्स होता है सर्वनाश। और सच में मूवी बहुत बेहतरीन है। स्टार्टिंग होती है मूवी व्यक्ति से स्टार्ट होती है कि दो कपल होते हैं, वो अपनी सिस्टर के यहाँ जाते हैं और बात यात्रा कर रहे होते हैं, डिनर करते हैं, फिर वापस चले आते हैं। फिर उसके बाद वो कार ही चला रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं बेबी को लेके कि बेबी आपको करना है या नहीं करना है। इतने में उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद उसकी जो वाइफ होती है वो मर जाती है और वो लड़का अकेला हो जाता है, तनहा हो जाता है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे स्टोरी बढ़ती है आगे। फिर आगे पता चलता है वायरस है, इसका वेरिएंट कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस है और वो खून के माध्यम से फैल रहा है और बहुत जल्दी फैल रहा है। फिर ऐसे ही तबाही मचनी स्टार्ट हो जाती है भैया, बहुत तबाही मचती है। और जो आर्मी वाले होते हैं वो एक्यूरेट करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आप हमारे साथ रहें तो हम आपको एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देंगे। पर ऐसा नहीं होता है। आर्मी वालों की भी व्यवस्था सारी धरी की धरी रह जाती है, भंग हो जाती है। वायरस इतने तेज़ी से फैलता है कि सभी सुख सुविधाएं सभी चली जाती हैं और वो लड़का अकेला रह जाता है उस अपने सिटी कॉलोनी में। कॉलोनी में जब लड़का अकेला रह जाता है तो फिर वो इधर उधर भटकता है खाने की तलाश में, क्योंकि उसका जो खाना होता है वो ख़त्म हो रहा होता है और खाना ख़त्म होने की वजह से वो ज़्यादा दिन तक वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो फिर उसको पड़ोस की आंटी मिलती हैं, वो उनको बताती हैं कि उस घर में खाना ज़्यादा होगा और इस घर में ज़्यादा होगा। उस घर में चार बच्चे रहते हैं, वो अभी छोड़ कर गए हैं, कल ही छोड़ कर गए हैं, इसलिए उस घर में खाना ज़्यादा हो सकता है। तो फिर वो खाना ढूंढने चला जाता है। इतने में एक जॉम्बी आकर उस पर हमला करती है और उसके पास वो गन होती है जिससे फिश पकड़ी जाती है। तो वो फिश पकड़ने वाली गन से उसको मारने का प्रयास करता है पर उसकी गन नीचे गिर जाती है। फिर बाद में उसको गन मिल जाती है और उसके सिर पर मारता है। वही रॉड ऐसी होती है जो सिर पर लगती है, सिर से आर पार हो जाती है और वो मर जाती है जॉम्बी, क्योंकि जॉम्बी को अगर सिर पर मारने से जॉम्बी मर जाती है, अन्यथा कहीं और मारने पर जॉम्बी नहीं मरती हैं। और यही ऐसे स्टोरी स्टार्ट होती रहती है। फिर वो पता नहीं रशियंस के यहाँ चले जाते हैं। एक्चुअली वो जाता है जहाज के माध्यम से, जो उसकी बहन कोऑर्डिनेशन भेजती है वहाँ जाना चाहता है, पर वो जहाज बीच में ही उसकी नौका जो होती है वो ख़राब हो जाती है और एक बड़ा जहाज उसको बीच में मिलता है। वो उसको उसमें बैठाता है और बोलता है कि यहाँ आसपास तुम यहीं के हो, होता था मैं यहीं का हूँ, यहाँ आसपास में बताइएगा कि जो खाने की वस्तुएं हैं और जो ज़रूरतमंद वस्तुएं हैं वो कहाँ मिलेंगी, ये पूछता है। फिर कहता है कि सुबह होने पर आप मेरी मदद करोगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ऐसा होने पर
फिर वो वहाँ रशियंस में एक दूसरा होता है जो रशियंस और उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, जब वो ट्रांसलेट करता है तो उसको बताता है कि मैं भी यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, ये दैत्य है, ये दानव है, अगर इनकी बात ना मानो तो ये लोग मार देते हैं, ऐसा वो बताता है। ऐसा बताने के बाद वहाँ पर वो वहाँ से भाग जाता है हीरो, और उसका दूसरा साथी जो वहाँ जहाज पर बनता है वो भी वहाँ से भाग जाता है, बट उसको गोली लग जाती है, जो उसका दूसरा साथी होता है उसको गोली लगने की वजह से उसको वो हॉस्पिटल ले जाता है, हॉस्पिटल में भी जॉम्बी होते हैं, जॉम्बी होने की वजह से वहाँ पर दो नर्सें जो होती हैं और तीन बच्चे होते हैं नीचे बेसमेंट में छुपे होते हैं, और वो उसको अंदर ले लेते हैं और उसका इलाज करते हैं और वो ठीक हो जाता है, और हॉस्पिटल में ही बेसमेंट में नीचे रखा, बेसमेंट में ही नहीं, रूफ टॉप पर रखा होता है हेलीकॉप्टर, और वो लोग हेलीकॉप्टर लेने के लिए जाते हैं, तब तक उधर से रशियंस आ जाते हैं, पर रशियंस बचने के लिए वो संक्रमित लोगों का सहारा लेते हैं और संक्रमित लोग रशियंस को उधर मार देते हैं, और वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठ कर चले जाते हैं, और फिर वहाँ अपनी सिस्टर को कोऑर्डिनेट करता है कि सिस्टर मैं आ रहा हूँ जहाँ आपने बोला था वहाँ आने के लिए, पर उसकी सिस्टर बोलती है वहाँ मत आना, वहाँ भी हालात बदतर हो चुके हैं। यहीं पर स्टोरी समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी आईएमडीबी रेटिंग की। आईएमडीबी रेटिंग इसकी आउट ऑफ 10 में से दी गई है 6.1 की, और मेरे अनुसार ये मूवी काफ़ी सही है। अगर मैं 5 में से इसे 3 स्टार दूंगा, 2 स्टार इसलिए कम दूंगा क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर जेड मैंने देखी थी उसकी कॉमिक भैया, मतलब उसमें रोंगटे खड़े हो रहे थे कि हाँ था वायरस। इसमें भी है कुछ हद तक सही है, स्पेनिश मूवी है ये और 31 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग देखकर समझ में आ गया होगा आपको ये मूवी देखना है या नहीं देखना है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम भाई लोग, ध्यान रखो अपना।